जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर से आप सभी भक्तों के लिए नई उतासी वीडियो लेकर हाजिर है। श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर आप भक्तों के लिए लेकर आए, साथ ही ट्रेन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी भी आप भक्तों के लिए लेकर आए डिवोशनल पॉइंट इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबर के बारे में। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा पर फिलहाल भक्तों की संख्या तो बढ़ ही गई है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है। प्रतिदिन लगभग 1200 से 1500 भक्त दर्शन करने यात्रा पर जा रहे हैं। पर यहाँ पर सबसे अच्छी खबर भक्तों के लिए होने वाली है कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जल्द ही कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि जिन इलाकों में कोरोना के केस कम हैं या फिर ना के बराबर है, तो वहाँ पर गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो आम जनजीवन है वो फिर से बहाल हो जाएगा। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप यात्रा पर जाते हैं अभी तक, तो ना तो आपको कटरा मार्केट खुली मिलती है, ना ही आपको ट्रांसपोर्टेशन का साधन मिलता है। वहीं कटरा में स्थित भक्तों को होटल व ढाबे की सुविधाएँ भी नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं ना कहीं माता रानी के भक्तों को काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा था। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर जिलों में जहां पर कोरोना के केस कम हैं, जिसमें से एक रियासी भी आता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है माता रानी के भक्तों के लिए, यानी कि अब आप यात्रा पर जाएंगे तो आपको सामान्य जनजीवन देखने के लिए मिलेगा, माता रानी की यात्रा पर फिर से वो रौनक देखने के लिए मिलेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो माता रानी का आशीर्वाद और चमत्कार ही है कि माता रानी ने हम सबको घरों पर सुरक्षित रखा है, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है। मैं माता रानी से यही उम्मीद करता हूँ, माता रानी से यही आग्रह करता हूँ कि माता रानी आप सभी भक्तों को स्वस्थ तरीके से यात्रा पर आने का अवसर देगी, मौका देगी, आप सभी की यात्राएं स्वस्थ बनाएगी, आप सभी की यात्राएं संपूर्ण करेगी। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको अभी भी कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होता है। कोरोना टेस्ट आपको RT-PCR के रूप में अपने राज्य से लेकर जाना होता है। अगर आप अपने राज्य से कोरोना टेस्ट नहीं लेकर जाते हैं जम्मू कश्मीर पहुंचने पर, भले आप ट्रेन के माध्यम से जाएं, अपने वाहन के माध्यम से जाएं, या फिर आप किसी और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जाएं, तो आपका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कोरोना टेस्ट में अगर आप गलती से भी पॉजिटिव आ जाते हैं तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा कि या तो आपको जम्मू कश्मीर में क्वारंटीन करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि आपको आइसोलेशन में रहना होगा, या फिर आपको अपने राज्य वापस भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं लेकर आते हैं तो आप अपने लिए संकट पैदा कर रहे हैं। आप भक्तों से आग्रह रहेगा कि आप अपने राज्य से ही चलने से पहले कोरोना टेस्ट कराकर चलें, जो कि RT-PCR के रूप में होना चाहिए। ध्यान रहे, वो टेस्ट 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। किसी भी भक्त को अगर वैक्सीन लगी है, चाहे वो किसी भी उम्र या वर्ग का हो, तो उन्हें तब भी कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। वहीं बढ़ते वीडियो में अगर बात करते हैं यात्रा से जुड़ी एक बुरी खबर के बारे में। अगर आप यात्रा पर आने का विचार बना रहे हैं जून महीने में और आपने ट्रेन के टिकट बुक कराए थे, तो आपको इस समय निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि भारतीय रेलवे की तरफ से जून महीने में जम्मू या फिर कटरा आ रही 24 ट्रेनों को कैंसिल रखा जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, और ये खबर आप सभी भक्तों तक सबसे पहले डिवोशनल पॉइंट पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं कैंसिल होने वाली 24 ट्रेनों की लिस्ट को सामने, और आप उसमें से देख सकते हैं कि क्या आपकी भी ट्रेन उसमें शामिल है। और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, लगभग ये 24 ट्रेनें 25-24 तारीख से लेकर, यानी कि 25 या फिर 24 जून से लेकर 30 जून तक ज़्यादातर ट्रेनें कैंसिल हैं, जिसमें से एक ट्रेन ऐसी है जो कि 1 जुलाई तक कैंसिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा पर आ रहे भक्तों के लिए, जो कि जून महीने में यात्रा पर आने का विचार बना रहे थे, उनके लिए काफ़ी दुखद खबर हो सकती है, निराशाजनक खबर हो सकती है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, जम्मू तवी वाराणसी एक्सप्रेस 27 जून से 30 जून तक कैंसिल रहेगी, उधमपुर एक्सप्रेस 27 से 30 तक, कटरा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 27 से 30 तक रहेगी, कटरा बांद्रा टर्मिनल 26 से 30 तक रहेगी, गांधीनगर जंक्शन कटरा एक्सप्रेस 26 से 30 तक रहेगी, हावड़ा एक्सप्रेस रहेगी 28 से 29 तक, जामनगर कटरा एक्सप्रेस 27 से 30 तक, जम्मू तवी पटना एक्सप्रेस 26 से 30 तक, जम्मू तवी अजमेर एक्सप्रेस जिसे हम पूजा एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं वो 26 से 30 तक कैंसिल रहेगी, जम्मू तवी भागलपुर एक्सप्रेस 24 से 28 तक, जम्मू तवी जैसलमेर एक्सप्रेस 24 से 1 जुलाई तक,
उसके बाद हम बात करते हैं बची हुई 3 ट्रेनों के बारे में। जम्मू तवी बाड़मेर एक्सप्रेस जो कि 23 से 29 तक कैंसिल रहने वाली है। जम्मू तवी पुणे जंक्शन एक्सप्रेस जो कि 25 से 29 तक कैंसिल रहने वाली है। वहीं आखिरी ट्रेन जम्मू तवी हावड़ा एक्सप्रेस जो कि 25 से 28 तक कैंसिल रहने वाली है। वहीं जानते हैं भारतीय रेलवे की तरफ से इन सभी ट्रेनों को कैंसिल जून महीने में क्यों रखा गया है। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अम्बाला डिवीजन में भारतीय रेलवे की तरफ से मेंटेनेंस काम किया जा रहा है, यानी कि मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन सभी ट्रेनों को कैंसिल रखना पड़ रहा है। अब क्योंकि सभी ट्रेनें जो कि जम्मू तक जाती हैं उन्हें अम्बाला से ही होकर गुजरना होता है, तो यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से ट्रेनों को कैंसिल रखा जा रहा है। उम्मीद है भारतीय रेलवे जल्द ही अपना कार्य पूरा करेगा और जल्द ही सभी ट्रेनों को फिर से शुरू करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दिखाना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी रोजाना नई ताज़ा तस्वीरें प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूले, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।